वाराणसी से। केंद्र सरकार के द्वारा महामारी के इस आपदा में जनता को गुमराह करने और लोगों के रोजगार छीनने व उद्योग धंधों को बंद कर आम लोगों को मौत के काल में डालने का काम किया है। आज वाराणसी युवा कांग्रेसी पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक लगाने के बाद आज युवा कांग्रेसी के पदाधिकारियों ने वाराणसी के पर्राकर भवन में पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ने से हत्याओं का दौर जारी है, वहीं सरकार इन आत्महत्याओं के दौर को अलग अलग नए नए रूप देकर छुपा रही है, जबकि जिले के संसाधन व्यवसाय छीने जाने की वजह से ऐसी तमाम हत्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़ों को भी सरकार पूरे देश में जनता के बीच सही न दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है। यह सरकार जुमलेबाज है। पीएम मोदी के कार्यकाल को एक साल की लिखा पत्र को जनता के बीच में 5 दिनों में पहुंचाने के लक्ष्य पर अजय राय ने कहा कि यह समय जनता के बीच जनता के सुख दुख में सहयोग करने का है, न कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का है। पूरे देश में मासूम माजी व पान वालों का कारोबार पूरी तरह बंद है, जबकि ऐसे लोगों को रोजाना कमाना खाना है। ऐसे लोगों को रोजगार देने व अन्य संसाधन सरकार को देने की जरूरत है। सरकार पूरी तरह हर मामले में फेल होने जा रही है। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। है जो मार्केटिंग करने वाले इनके लोग हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, आज वही बनारस के पान का धंधा का व्यापार खत्म हो चुका है। मालिक फूलमाला नहीं बिक रही है, मंदिर बंद थे, आज भी नहीं उनका फूलमाले की दुकान खुली है, आज भी बंद है। आज के दिन में भी माझी समाज आज भी परेशान है, उसकी नाव नहीं चल रही है। ऐसे तमाम गरीब परिवार हैं, तो मेरा आग्रह है मोदी जी से और इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आप चिट्ठी भिजवा रहे हैं, उन चिट्ठियों के स्थान पर लोगों की आर्थिक मदद करा दीजिए, खाने पीने का सामान भिजवा दीजिए, बच्चों की फीस जमा करा दीजिए, लोगों के अस्पताल की दवा का खर्च दिलवा दीजिए, जिससे आम आदमी एक ये लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार ने मदद की, हमारी मोदी जी ने मदद की। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। आज हम सब लोग इस कोरोना काल में, मैं कहूँ कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व में और अपने देश में चल रही है, उसके अनलॉक होने के बाद पहली बार हम सब लोग आप पत्रकार साथियों से मिल रहे हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हम लोगों के आग्रह पर, निवेदन पर आए हैं। हमारे शहर अध्यक्ष रविंदर जी हैं, मेरे जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी के घर में बेटे की गमी के कारण से उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में राजू राम है जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति, और हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथी। आज ये पत्रकार वार्ता जो करना आवश्यक समझा हम लोगों ने, उसमें कई कारण हैं कि ये सरकार जो लगातार लोगों से झूठ बोल रही है, लगातार लोगों को गलत आंकड़े पेश कर रही है और लगातार बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, वो कम से कम आप लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच में सही चीज़ें आ जाए। जब से आप देखे होंगे लॉकडाउन था तो कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारे लोग बंधे हुए थे और सब लोग अपने घर में और अपने परिवार में, और जो हमारे मजदूर साथी, हमारे भाई जो बाहर से आ रहे थे, वो किस तरीके से परेशान हुए आप सब लोगों ने दिखाया और आप लोगों ने लिखा है उसमें। जब से यह अनलॉक खुला है, मतलब अनलॉक हुआ है, तब से आप देखेंगे उठाकर कि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और 2 तारीख को एक घटना यहां पर घटी, जद्दू मंडी लक्सा में वर्षा मिश्रा जिसकी नौकरी चली गई, तो वो कुबेर कॉम्प्लेक्स में काम करती थी और वो उसने अपने घर में जाकर, वो और उसकी माँ रहती थी वहाँ पर जाकर उसने सुसाइड कर दिया। ऐसे ही एक लखमीपुर गांव है लोहता में, मुलायम पटेल, उसने भी फांसी अपने घर पे लगा दी। 3 तारीख को फिर एक हमारे क्षेत्र में तरसड़ा में, फूलपुर में थाना अंतर्गत, ये भी व्यक्ति अपनी जान दिया और इसके 15 साल का एक बच्चा और 11-12 साल की बिटिया है। 4 तारीख को फिर अम्बेडकर नगर कॉलोनी है करौंदी में, वहाँ पर चंदन प्रताप ने फिर फांसी लगाई। फिर ये एक जखनी में ये लोनिया थाना है, प्रदुम्न ने फांसी लगाई 18 वर्ष का।
फिर ये चौखंडी जनसा में है कन्हैया और कृष्णा पांडे 25 वर्ष, इसने भी फांसी लगाई। बीटी गांव रामनगर में अंजलि 23 वर्ष लड़की, ये भी इसने भी फांसी लगाई। भरथरा गांव में है दलित बस्ती में चौबेपुर खुशबू, इसने भी जो है मोबाइल के झगड़े लेकर चार्ज क्या लेकर अपने परिवार झगड़े हुए, इसने फांसी लगाई। फिर 8 तारीख को रामनगर क्षेत्र में राजकुमार साहनी 35 वर्ष मजदूर, जो आर्थिक कारण से इसने भी अपने जीवन लीला समाप्त की। चंदुआ छित्तूपुर सिगरा में जो परसों की घटना है, मिंकू सिंह 28 वर्ष जिसकी दुकान पे काम कर वो अपनी दुकान चलाता था, वहाँ पर भी ये घटना घटी नमकीन की दुकान पर। सप्तसागर जो बगल में है आपके पप्पू चौरसिया की मकान में एक व्यक्ति वहाँ पर किराए पर रहता था कल्लू यादव, उसने अपने भाई के दुकान पर काम करता था, उसने फांसी लगाई। सारंग तालाब जैतपुरा थाना अंतर्गत प्रतिमा मौर्या, उसने भी वहां पर फांसी लगाई। मुर्दाहाथ